हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मूवीज़ डिज़ायर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अजीब दास्तान की दूसरी स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। अजीब दास्तान की पहली स्टोरी पहले ही मेरे चैनल पे आ चुकी है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी स्टोरी का टाइटल है खिलौना। यह स्टोरी दो बहनों की है जो कि बहुत गरीब थी। छोटी बहन का नाम था बिन्नी और बड़ी बहन का नाम था मीनल। बिन्नी बहुत छोटी थी, वह चौथी क्लास में पढ़ती थी। वह बहुत शरारती और नटखट थी। बिन्नी की बहन यानी कि मीनल नौकरानी का काम किया करती थी। वह अपनी छोटी बहन बिन्नी के साथ मिलकर मीठी मीठी बात करके अपनी मालकिन को फुसलाती थी और अपना काम निकलवाने की कोशिश करती थी। बिन्नी के घर की बिजली मोहल्ले वाले काट देते हैं, इसीलिए इनके घर पर बहुत दिनों से लाइट नहीं थी, अंधेरा था बिल्कुल। बिन्नी को टीवी देखते देखते सोने की आदत थी, लेकिन अब लाइट न होने की वजह से वह ठीक से सो भी नहीं पाती है। मीनल को पता चलता है कि मोहल्ले में एक नया सेक्रेटरी है, विनोद अग्रवाल। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। अगर वह उससे बात करेगी तो शायद उसके यहाँ बिजली लग जाएगी। बिन्नी और मीनल की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बिल्कुल जैसे एक दो बहनों में होती है। मीनल अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। इनके माँ बाप तो नहीं थे, लेकिन मीनल पैसे कमाकर बिन्नी को स्कूल भेजती थी और उसका पूरा ख्याल रखती थी। मोहल्ले में ही एक स्त्री वाला था जो कि कपड़े प्रेस किया करता था। उसका नाम था सुशील। मीनल और सुशील का अफेयर चल रहा था। विनोद अग्रवाल सुशील को उसका दुकान बंद करवाने की धमकी देता था, क्योंकि विनोद को ऐसा लगता था कि सुशील बस लड़कियों के साथ खीखी करता है और लौंडियाबाजी करता है। ऐसा करने से सोसाइटी को वह बदनाम कर रहा है। मीनल को यह बात पता थी कि विनोद अग्रवाल उस पर डोरे डालता है, और इसीलिए वह सुशील को भी ऐसी धमकियां देता है। इसी बात का फायदा उठाना चाहती थी मीनल। वो बिन्नी के साथ जब सुशील की दुकान पर एक बार खड़ी थी तो विनोद भी वहीं आता है। मीनल विनोद से बात करती है। वह उसके सामने बिल्कुल भोली भाली बनने का नाटक करती है और उसे उसके यहाँ काम भी मिल जाता है। वह बहुत खुश होती है। मीनल के मन में अमीर लोगों के प्रति बहुत नाराजगी और गुस्सा था। उसे गुस्सा था कि अमीर लोग मतलबी होते हैं। उन्होंने उसके घर की बिजली भी काट दी थी और ये लोग चैन से जीने नहीं देते हैं। वह सिर्फ बिजली लगवाने के लिए विनोद अग्रवाल के यहाँ काम करने लग जाती है। वह उसकी प्रेग्नेंट वाइफ की भी हेल्प करने लगती है और धीरे धीरे घर में अच्छे तरीके से पैर जमा लेती है। वह मिसेस अग्रवाल को अपनी बत्ती कट जाने वाली प्रॉब्लम बताती है, तो मिसेस अग्रवाल बोलती है कि हाँ, मैं विनोद से बात करती हूँ। विनोद भी उस पर बुरी नज़र डालता था। मीनल को यह सारी बातें बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वह सिर्फ अपना मतलब निकाल रही थी। बिन्नी भी घर के काम में मीनल की हेल्प किया करती थी। जब विनोद अग्रवाल के यहाँ उनका बच्चा हो जाता है तो मीनल झूठे खुशी के आंसू निकालकर बच्चे को खिलाने लगती है। वह उसे लल्ला लल्ला बुलाती है। बिन्नी यह चीज़ नोटिस करती है कि उसकी बहन नाटक कर रही है बस। रात में बिन्नी मीनल से पूछती है कि तुम लल्ला देखकर रोई जा रही थी, तुमको भी लल्ला करना है क्या? मीनल कहती है, काहे का लल्ला, सारा काम मुझसे करवाते हैं और खुद बस खेलने भर के लिए गोदी में उठाते हैं। बच्चा नहीं है वो, खिलौना है उनका बस। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो बिजली लगवाने का झांसा देकर विनोद मीनल के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वह उसके करीब आने की कोशिश करता है। बिन्नी भी यह चीज़ देख लेती है।
लेकिन मीनल को यह अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से भाग जाती है। सुशील मीनल से पूछता है कि क्या हुआ। तब तक विनोद वहाँ आ जाता है और सुशील को बहुत मारता है, यह बोलकर कि उसकी नीयत अच्छी नहीं है। वह लौंडियाबाजी करता है। शाम को विनोद के यहाँ फंक्शन था। वह मीनल और बिन्नी को बुलाता है और अपनी अच्छी छवि मेंटेन करने के लिए सुशील को भी बुलाता है कि आ जाना नाश्ता करने। मीनल को अच्छा तो नहीं लगता, वह रो भी रही थी। तब तक उनके घर में लाइट आ जाती है और शाम को मीनल फंक्शन में काम कर रही थी तभी वहाँ सुशील भी आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये दोनों बहुत दुखी थे। सुशील एक शराब की बोतल उठाता है और रोड पर शराब के नशे में एक पत्थर उठाकर ट्रांसफार्मर तोड़ देता है। उसके ऐसा करते ही मोहल्ले की लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है और सब नोटिस करते हैं कि बच्चा गायब है। मोबाइल का टॉर्च जलाकर सब लोग बच्चे को ढूंढने लगते हैं कि तभी विनोद देखता है कि किचन में कुकर उबल रहा था और उसमें से खून बाहर निकल रहा था। यह सीन किसी हॉरर मूवी के सीन से कम डरावना नहीं था। किसी ने बच्चे को कुकर में जिंदा डालकर उसे मार डाला था। पुलिस मीनल और सुशील पर शक करती है क्योंकि सुशील को विनोद ने उसी दिन सबके सामने मारा था। वह उन दोनों को मारती है और उनसे पूछताछ करती है। पुलिस उस औरत से भी पूछताछ करती है जिसके यहाँ मीनल पहले काम किया करती थी। उस औरत को बहुत टाइम से बच्चा नहीं हो रहा था और वो भी उस फंक्शन में उस दिन मौजूद थी। वह औरत पुलिस को कुछ बताती है और पुलिस वाला बिन्नी की तरफ आगे बढ़ता है और उसका बैग चेक करता है। उसे उसके बैग से उसी बच्चे का खिलौना मिलता है तो वह बिन्नी से पूछता है, यह तुमने बच्चे से लिया? तो बिन्नी बोलती है, बच्चा नहीं था उनका, बस खिलौना था। और यह स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, हमें उन्हें सही सीख और अच्छी परवरिश देनी चाहिए। मीनल और सुशील जब इंटीमेट होते थे तब बिन्नी को पता चलता था कि यह दोनों एडल्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। जब मीनल ने उसे बोला था कि बच्चा नहीं है उनका खिलौना है, तो उसे अपनी बहन की बात ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई और उसने उसकी उसी बात को सीरियसली ले लिया और बच्चे को मार डाला। तो गाइस, आई होप कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बाकी बचे हुए दो पार्ट्स मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक आप अपने घरों में ही रहिए, कोरोना से बचे रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।